देखते हैं कि कंपाउंड्स जो हमने पढ़े, जैसे कि ये वाले कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं? हमारे एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है, ये किससे मिलके बने होते हैं? हमारे एटम से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? एटम से। और हमारा जो एटम है वो तीन से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। अब ऐसे ही जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, ये तीनों, इनमें से ये जो होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं? क्वार्क से, ठीक है। और क्वार्क्स कितने तरह के होते हैं? छः तरह के होते हैं। एक होता है अप, एक होता है डाउन, एक होता है स्ट्रेंज, एक होता है चार्म, एक टॉप और एक बॉटम, ठीक है। तो कितने तरीके के होते हैं हमारे, ठीक है। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो एटॉमिक नंबर जनरली बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो जब कोई भी एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल तब होगा जब हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब एटम वो एटम की फॉर्म में होगा, वो आयन नहीं होगा, तब हमारे एटॉमिक नंबर इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। हम देखते हैं आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट मास नंबर जो है वो डिफर करता है। सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर जो होता है वो डिफ़र करता है, ठीक है। तो ये होते हैं। अब क्या है वैलेंस शेल क्या होता है? जो लास्ट शेल होता है हमारा, किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होता है उसे कहते हैं हम वैलेंस शेल। जैसे कि अगर ये हमारा, अगर यहाँ पे ये हमारा एटम है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पर हमारे दो, ये इसमें क्या हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये है, तो यहाँ पर तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में मैंने फिल करा होता है वो कहलाता है मेरा वैलेंस शेल, ठीक है। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, सिंपल बेसिक है, ठीक है। तो मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, आइसोबार्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफर करता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। फॉर एग्जांपल आर्गन और कैल्शियम, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ये आइसोबार्स कहलाएंगे क्योंकि इनका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है, तो ये आइसोबार्स होते हैं। अब हम चलते हैं ऑक्टेट रूल पर। किस पे? ऑक्टेट रूल पे। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कोई भी अगर एलिमेंट है, अगर वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो उसकी लास्ट शेल में, उसकी जो लास्ट शेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं। तो इस तरीके कंपाउंड दो तरीके से बन सकते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड के थ्रू, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की का गेन होता है या लॉस होता है, गेन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या लॉस होना, उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किसकी वजह से बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देते हैं, एन ए सोडियम है, सोडियम का जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एन ए प्लस बन जाएगा, ऐसे क्लोरीन एक यहाँ से इसका जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको बन जाएगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। जबकि जो हमारा CH4 मिथिन कंपाउंड है, इसका हाइड्रोजन का ये पे कार्बन के एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम आया, हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे आया, हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे आया, हाइड्रोजन का एक एटम आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, और ये जो कार्बन है ये भी स्टेबल, तो यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन लॉस हुआ और यहाँ पे गेन हुआ। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है देखते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो हमारे जैसे कोई बॉन्ड है, कोई एग्जांपल ये सीएच बॉन्ड है, हम इसको एग्जांपल देता हूँ ऊपर वाले का, सीएच बॉन्ड है, ये सीएच बॉन्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करती है, ये किसी हमेशा जो होता है दो एटम के रेस्पेक्ट में ही होती है। ठीक है, तो क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूअर्ड इट्सेल्फ। ठीक है, तो किसी बॉन्ड में एबिलिटी, किसी भी बॉन्ड में किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी या एटम की प्रॉपर्टी की वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं आपको उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूँ, तो कौन कौन से था, फ्लोरीन सबसे पहले जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है वो कितनी होती है, 4.0। क्लोरीन, क्लोरीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी है 3.0। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5। सल्फर, सल्फर की कितनी है, 2.5। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सोडियम की कितनी है, 0.9। सोडियम की कितनी है, 0.9। और इंपॉर्टेंट एलिमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितनी है, 3.0। तो ये सब बेसिक जो है, ये जब डाटा लिया है मैंने सोलोमोस की बुक में लिया, आपको PDF में मिल जाएगा, तो देख लेना उसमें से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन आइटम लेता हूँ, तो मैंने क्लोरीन आइटम लिया, अब इसके जो इसमें जो वैलेंस शेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट कर लेंगे, कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो हम फिल करते हैं, वही सिंपल अपना जो बेसिक मेथड होता है, बेसिक तरीका होता है, उससे करते हैं, क्या होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में कितने बचे, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उसको फिल करते हैं, तो क्लोरीन सी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो कितने हैं इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई लुईस स्ट्रक्चर किसकी, क्लोरीन की। अब आते हैं हम फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, किसमें, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इसके जो फेलियर्स हैं वो बेसिकली हम दो, मैं दो ही बताऊंगा। तो होता है कुछ कंपाउंड्स होते हैं हमारे PCl5, तो PCl5 क्या होता है, PCl5 इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, 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 तो ये कंपाउंड स्टेबल है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉस्फोरस के, 10 इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हमेशा कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 10 होने चाहिए, जबकि यहाँ पर कितने हैं, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 10 हैं। सो ऑक्टेट रूल फेलियर, ऑक्टेट यहाँ पर ऑक्टेट रूल का फेलियर है। अब दूसरा कंपाउंड लेते हैं हम, BF3, तो यहाँ पे बोरोन लेते हैं, बोरोन का एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तो इस क्या हुआ, ये भी इसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 6, तो क्या हुआ, ये भी फेलियर है। तो जो जो होते हैं हमारे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम लुईस एसिड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो जिन कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उन्हें कहते हैं हम लुईस एसिड्स, और जिन जिन में